الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما هديتنا الإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ورفعنا بآيات وذكر الحكيم اللهم الح... اللهم الحمنا رشتنا وعائذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إني أسألك علما نافعا

सब की सब तारीफें और हम अल्लाह के लिए हम उसी से मदद चाहते हैं और उसी से माफ़ी मांगते हैं और उसी के पास तोबा करते हैं और हम अल्लाह ही के यहाँ अपने नफ्सों की बुराइयों और अपने अमाल की खराबियों से पनाह मांगते हैं जिसे अल्लाह हदायत दे दे तो फिर कोई उसे भटका नहीं सकता और जिसे अल्लाह सुबहाना ताली की ज़्यादा गुमराह कर दे उसको कोई राह हदायत नहीं दे सकता इन सेशंस का असल मकसद यही है कि हम सब मिलकर ए, इन मुश्किल हालात में एक प्लेटफॉर्म के अंडर अपने ईमान को ताज़ा कर सकें अपने ताल्लुक़ को अपने खालिक के साथ मजबूत बनाएं और प्री रमदान की यह सीरीज़ इसी ताल्लुक को अपने रब के साथ मजबूत बनाने की एक कड़ी है ताकि हम अपने अंदर का जायजा ले सकें अपनी असलाह कर सकें आने वाले रमादान के महीने का इस्तकबाल दिल की सफाइयों के साथ और शौरी तौर पर कर सकें ताकि हमारी इबादतों में हमें लज्जत महसूस हो अपने रब के साथ ताल्लुक़ को महसूस हम कर सकें चूँकि जो ताल्लुक़ अब हमारे रब को हमसे मतलूब है और यह इसी सूरत में मुमकिन है जब हम अपने अंदर की सफाई करेंगे अपने अंदर से बोग कीना हसद ग़ुस्सा और दूसरों से नफ़रत जैसे जज्बात को निकाल कर आ, 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 अपने दिल की सफाई करें और रमदान का इस्ताल करें आप सल्लल्लाहु अलैहि की हदीस का मफहम है कि आपने फरमाया यकीनन यकीनन ईमान तुम्हारे पेटों में इस तरह पुराना हो जाता है जिस तरह कपड़ा पुराना होता है तो तुम अल्लाह से सवाल किया करो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों में ईमान की तजदीद करता रहे सो हमें ईमान की तजदीद की ज़रूरत है एक रिमाइंडर की ज़रूरत है इस रिमाइंडर के लिए हमने एक ख़ास मेहमान को अपने अंदर मद़ किया हुआ है इससे पहले कि मैं उनको रिक्वेस्ट करूं कि वो अपनी ए, सेशन का आगाज करें मैं उनका छोटा सा तारुफ अपनी बहनों के लिए रखती चलूं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है लेकिन नई सिस्टर्स के लिए मैं उनका तारुफ रखती चलूँ उनका नाम डॉक्टर आरफ मतीन है इस्लामिक स्टडीज़ में उन्होंने पी किया हुआ है और उनकी स्पेशलिटी जो है तफसीर कुरानिक साइंस है और लैक्चरार के तौर पर उन्होंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अपनी ख़िदमत जो है अंजाम दी हुई हैं अभी जो है वो बोस्टन मस्जिद के इमाम हैं और 2010 में यूके इस्लामिक इस्लामिक मिशन के साथ जुड़े इससे पहले कि मैं डॉक्टर आरफ मदीन को मधु करूँ मैं आप सब सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने माइक्स जो हैं उनको म्यूट रखें और एंड पे आपको 15 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चन और आंसर सेशन के लिए तो ड्यूरिंग सेशन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए एंड पे आपको इंशाअल्लाह मौका दिया जाएगा कि आप डॉक्टर आरफ मतीन से जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं जी डॉक्टर आरफ मतीन साहब आप प्रोग्राम का आवाज़ करें प्लीज الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم

बहुत ही प्यारी आयत का इंतखब किया गया और ये आयत हमें अपने हकीकी मकसद से भी जोड़ती है और चूँकि ये ये रमज़ान से पहले के प्रोग्राम हैं और इस एतबार से कि हम रमज़ान का सही तौर पर अपने आप को तैयार कर सकें जहनी तौर पर शौरी तौर पर अमली तौर पर रमज़ान एक ऐसा मौका है कि इसके बहुत सारे और भी फ़वाद हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा तो यकीन ये कि ये अल्लाह की एक इबादत है और हम अल्लाह की इबादत और बंदगी के फ़र्ज से बगदोश होते हैं इस माह के अंदर लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि ये हमें गुज़रते हुए वक्त की जो है वो यादहानी करवाता है कि हमारी ज़िंदगी से एक साल मज़ीद कम हो गया और ये भी बताता है कि वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है और कामयाब वही शख्स है अक्लमंद वही शख्स है कि जो जी स्लाइड्स मूव कर रही हैं पहले बताएंगे जी नहीं ए, स्लाइड मूव नहीं हो रही स्लाइड्स शो ऑफ करके दोबारा से उसको लगाएं तो फिर इंशाल्लाह तआला वर्क करना शुरू कर देंगे जी ठीक है जी जी फुल स्क्रीन नहीं है उम्मीद है कि ठीक हो गया होंगे तो रमजान ऐसा मौका है कि जो हमें हमारी जिंदगी के मकसद को ताजा करता है हमें याद दिलाता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं अल्लाह की बंदियाँ हैं और उसी की जानब हमारा ये सफ़र जारी है और इस सफ़र में कामयाब वही होगा कि जो पाक हो जाएगा बहुत खूबसूरत तर्जुमा किया गया कि बेशक वही बाराद हुआ जो पाक हो गया तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई शख्स ख़ुद से पाक नहीं हो जाता बल्कि अल्लाह अगर किसी को पाक करता है तो वो फिर पाक होता है जो अल्लाह की जो है वो मार्फत हासिल करता है उस पर ईमान लाता है उसकी हमदोसना बयान करता है उसकी तस्वीर करता है जैसा कि इस सूरत का आगाज़ सब और कल आला तस्वीर बयान कीजिए अपने रब के नाम की यानी अल्लाह को शिर की आलूगियों से पाक कीजिए अल्लाह के नाम को शिर की आलूगियों से अमाम से खुराफात से और अमल की खुराफात से उससे अपने रब को पाक कीजिए तो जो शख्स ये काम करेगा वो पाक हो जाएगा वलूल फजल आलक वरमा आबदा वाली मैशा अगर अल्लाह का तुम्हारे ऊपर फजल और रहम ना होता तो कोई भी तुम में से पाक ना हो सकता तजकिया ना कर सकता लेकिन ये अल्लाह का फजल और करम है कि उसने हमें ईमान की दौलत से सरफराज किया और साथ में अपने फ़जल और करम से हमें तसकी की दौलत से माल-माल किया अगर हमारे आमाल अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं तो और अल्लाह ने इस बात का भी तस्करा किया कि अल्लाह पाक उसी को करता है कि जो अपने आप को पाक करने की कोशिश करता है अपनी ज़िंदगी से अपने जहन से अपनी, अपनी सोच और फ़िक्र और अमल में अपनी पूरी ज़िंदगी में पाकिजगी उसी को मिलती है कि जो कोशिश करता है जैसा कि सुरह शम्स में अल्लाह तबारक व ताली ने बहुत सारी कस्मों के बाद कहा वशम शम सि वहा है वल्कमर तला और फिर फ़रमाया कि वनफिन वमा सम फजूर व तकवा कदफ़ ला मन जकाह है वक़द ख़्वा बन दसा है कामयाब वो होगा कि जो अपने नफ्स को पाक कर लेगा तो इसमें अल्लाह की अल्लाह की मेहरबानी अल्लाह की हिनायत अल्लाह का फज़ल भी जो है वो शामिल है और अल्लाह के फजल के बाद हमारी कोशिश भी जो है वो इसमें मोतबर है और ज़रूरी है तजकिया का मतलब लिटरली जो है वो पाक करना भी है और उसमें उसमें बरकत का आ जाना इजाफा हो जाना ग्रो करना ये भी मफहम तजकिया में पाया जाता है जैसा कि अल्लाह तबारक तआला ने सदे और ज़कात के हवाले से कहा कि खुद में तो बिहार आलिम का सकन इसी तरह से जो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में तजकिया का मफहूम है वो काफ़ी जामे है कि इंसान अपनी सोच अपने अमल को जो है वो पाक कर ले साफ कर ले झूठ से धोखे से फ्रॉड से खुराफात से औम से पलीदगी से और ये हर एतबार से हर ज़िंदगी के पहलू में उसमें उसके अखलाक उसके मामलत उसके इबादत उसके अकायद ये सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं और ये हज़ूर नबी करीम सलील वसम के बताए हुए रास्ते और आप सल्ला वसम की सुन्नत की रोशनी में जो है वो इंसान अपनी नफ्स का अपने दिल का अपनी सोच का अपने अकल का तस्किया करता है और उसको पाक करता है तस्किया का मफहूम इतहाई जामे है और हम इन श्ला देखेंगे कि किस तरह तज्िया का ताल्लु अकदा से भी है अमल से भी है सोच से भी है और तजिया दरअसल तोहद ही की का एक अनवान है तोहेद का एक प्रोसेस है कि अल्लाह तबारक व तैन ने जैसे सभी सब्बी बिकल आला तो जो लोग अल्लाह को अपना रब अल्लाह ही को अपना वाद रब मानते हैं और उसी के बताए रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो दरअसल जो है वो ये प्रोसेस इख्तियार करते हैं कि जिसमें अपने सोच और फ़िक्र और अपने अमल को जो है वो पाक साफ करते हैं और इसी तरह से अल्लाह तबारक व ताली ने जो क़ुरान मजीद दिया उसमें बहुत सारे पहलुओं से हम जो है वो दरअसल अपना तज़किया कर रहे होते हैं जो भी कोई आयत हम पढ़ते हैं कुरान मजीद की अगर वो किसी हुक्म से मुतक़ है इबादत से या किसी नबी के वाक़े से मुतल है तो उसके उसके अंदर भी जो है वो तस्किया का मफहूम पाया जाता है तस्किया तकवा को भी जो है वो हम कह सकते हैं जैसे कि अल्लाह तबारक वाला फरमाते हैं कि फला तो तुम खुद अपना तस्किया ना करो अल्लाह को मालूम है कि तुम में से कौन मतकी है यहाँ अपना तस्किया करने से मुराद अपने आप को ये समझना कि मैं तो बिल्कुल बरहक हूँ सही हूँ और जो है वो अल्लाह तबारक व ताल कह रहे हैं कि मुझे मालूम है के तुम में से मती और परहेजगार कौन है किसके दिल में कितना खुदा का खौफ है और हजूर में नबी करीम सल्ला वसलम ने भी हमें जो है वो ये तजकिए से मुतक़ ही दुआ सिखलाई लेकिन उसमें तकवे का जिक्र किया अल्लाह मतफुसना तकवा वजक्की अनत मनजक्का हा अंत वली व मऊला इसी तरह से सुरह जो है वो लैल के अंदर भी अल्लाह तबारक व तला ने फरमाया कि वसै जन्नब वालत मालहु ये तज् तो वहाँ भी जो है वो तकवे का जिक्र किया गया तो तजकिया एक बहुत ही खूबसूरत एक जाम लफ्ज है जो हमें ए, हमारी जिंदगी से मुतक़ कामयाबी का रास्ता बताता है और उस उस रास्ते पर चलने का जो जो प्रोसेस है अमल है उसका जो है वो दरअसल नाम है और तजिया हम किस तरह से कर सकते हैं जाहिर है जब हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमें अपनी जो जिंदगी के मुख्तलिफ़ मरल हैं जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं आ, हमें उस आ, दुनिया के हालात और माहौल से आगाही होना भी ज़रूरी है और जो दीन के तकाज़े हैं उनसे वाकिफ़ होना उनका इल्म रखना उनको जानना और फिर उनके मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी का निज़ाम तरतीब देना अपनी पूरी ज़िंदगी का निज़ाम तरतीब देना ये दरअसल जो है वो तस्किए का एक जाम मफहम है यानी दीन का जो हमसे मुतालबा है कि हमारा ईमान हमारे तमाम अहवाल हमारा उठना बैठना चलना फिरना शादी ब्याह मेल मिलाप रिश्ते नाते हर एक चीज़ जो है वो इन दीन के जो मुतालब हैं जो तालीमात हैं उनके मुताबिक जो है वो हम आ, अपनी ज़िंदगी तरतीब दें ना ये कि हालात के मुताबिक हा, हालात का तकाजा जो है वो मुमकिन है कभी ऐसा ही हो जैसा कि हमारे दीन का तक है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है बहुत सारे मौक़ों पर हालात जो है वो ऐसे पैदा जो है वो अल्लाह की तरफ तरफ़ से कर दिए जाते हैं या खुद इंसान अपने लिए ऐसे माहौल पैदा कर लेता है कि जिसमें उसके लिए जो दीनी तालीमत हैं जो दीनी तकाज़े हैं उस पर अमल करना उसके लिए जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है और हकीकत यह है कि जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं वो एक ऐसी दुनिया है और उसका नज़ारी के साथ इस तरह से तब्दील हो रहा है कि जिसमें हमें अपने दीनी तक अमल करना मुश्किल बनता चला जा रहा है ये वो है पूरा सिस्टम है जिसने ले लिया है और की मैकेनिकल सिस्टम और माशरत जो है वो ऐसी तरतीब दी है इनफरादी ज़िंदगी से लेकर इज्त ज़िंदगी तक कल्चर से लेकर फ़र्द की तरबीत तक यानी पूरे दुनिया का एक तस्वूर एक ऐसा नया एक तस्वर जो है वो दुनिया के अंदर आ गया है कि हम बहसीत मजमू इसको सिद् के दिल के साथ हमने इस तरह से कबूल जो है वो कर लिया है कि अगरचे जो है वह ज़ुबान हमारी इकरार करती है लेकिन हकीकत यह है कि दिल इकरार करता है कि जो जिस तर्ज पर जिस डगर पर ज़िंदगी चल रही है बस उसका तकाज़ा ऐसा ही है जैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं और जिसके नतीजे में हम एक विशफुल जो है वो थाट्स के अंदर जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि बस सब कुछ बहुत अच्छा है और जिस तरह से निज़ाम चल रहा है इन शो हम कामयाबी के सफ़र की तरफ जो है वो गामजन है हालांकि हकीकत यह है कि हमें बहुत सारे पहलुओं पर नज़र षानी करने की ज़रूरत है अपने अफकार अपने ईमानियात अपने अकायद अपनी इबादत अपने अहमाल अपनी ज़िंदगी अपनी महाशरत हर एक पहलू पर उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये सारी ज़िंदगी हमारी पूरी ज़िंदगी का जो निज़ाम चल रहा है वो हमारे दीनी जो मुतालबात और तकाज़े हैं उन बहुत दूर कहीं जो है वो हम हालात के प्रेशर के तहत ज़िंदगी गुजारते हुए उनको हमने अपना एक दीन जो है वो समझ कर जो है वो निज़ाम उस उस जो है वो उस पर हम मतम हो गए हैं और उस पर हम राज़ी हो गए हैं हकीकत ये है कि ये एक ऐसी बहुत बड़ी इंसानी और जो है वो उसकी तब्दीली है और एक ऐसे नए मरले के अंदर इंसानियत दाखिल हो चुकी है कि जिसके बारे में बाज साहिब नजर और साहिब दिल लोग ये कहते हैं कि शायद ये हज़रत आदम आसमाम का हबूत सानी है यानी एक मरतबा तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम सलाम को ज़मीन पर उतारा था और फितरत के मुताबिक जो है वो उसको उसका जो निज़ाम था इंसानों का वो चल रहा था और अम्बिया कराम आ रहे थे उनको हिदयात से जो है वो नवाज रहे थे लेकिन अब फिर इंसान अपनी सरकशी के अंदर इतना आगे बढ़ चुका है कि जो है वो और उस सरकशी में हम बहसीत मजमू इतना जो है वो आगे जा चुके हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम किस तरह से जो है वो अपने मामला जो है वो कर रहे हैं और किस तरह से हम अपना तजकिया कर सकते हैं किस तरह से अपने जो हमारे जो मैार ज़िंदगी या दीनी एतबार से वो क्या है हमारी अकदार क्या है उसको हम किस तरह से जो है वो सही डगर पर और सही रुख पर जो है वो कायम और दायम रख सकते हैं मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल जो है वो जिक्र करके बहुत सारी ऐसी बेशुमार मिसालें हैं कि जो हालात के जो नज़ाकत है उसको और जो चैलेंज है हमारा उसकी जो सवेरिटी है उसको हाईलाइट और डिपेक्ट करते हैं अमरीका के अंदर एक इमाम साहब नए नए जो है वो गए तयन हो उनकी जो है वो तयनती हुई और उनके पास एक जो है वो वाले साहब आए जिसने अपने बच्चे के बारे में शिकवा किया कि मेरा बच्चा जो है मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चे के बारे में कि जो है वो वो जिन्हा जैसी जो है वो गुनाह के अंदर मुबतला हो चुका है और मैं चाहता हूं कि वो इससे बाज आ जाए तो आप काइंडली जो है वो उससे मिलें और जो है वो उसको समझाएं तो इमाम साहब बड़े पढ़े लिखे थे अः जाम अजहर के फारक शुदा थे तो वहाँ से उन्होंने पी एच डी किया था तो वो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि ठीक है आप अगले दिन जो है वो मेरे दफ्तर में उनको भेज दें तो अः वो आ, मैं उनसे बात कर लूंगा मैंने उनको ये कहा और मैं ख़ुद अपने तौर पर जो है वो तैयार अपने आप को करने लगा कि मैं किस तरह से बात रखूं कि मैं जो है वो अपनी बात जो है वो उसको मनवा लूँ उस नौजवान से और नौजवान के हिसाब से चूँकि जो है नौजवान है ज़ाहिर है उनके अपने तकाज़े हैं उनकी अपनी ज़ुबान हैं और अपने अंदाज़ है उनको समझाने का और समझने का तो बहरहाल वो कहते हैं कि मैंने जो है वो ये सोचा कि चलें ठीक है तो इमाम अहमद मुस्ंद अहमद में एक जो है वो रिवायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी इसी तरह से एक मामला पेश आया कि एक नौजवान ने जो है वो जना की इजाज़त तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मोहब्बत के साथ जो है वो उनको उनकी असलाह फरमाई तो वो हदीस मेरे जहन के अंदर आ गई और मैंने कहा कि चलें ठीक है मैं उस इस हदीस के ज़रिए से इस नौजवान को समझाऊँगा तो सल्लम की हदीस को मैं बहुत अख्तिस के साथ बयान करता हूँ कि आप सल अल वसलम ने उनको नौजवान को अपने क़रीब बुलाया और कहा कि बेटा देखो क्या तुम यही अमल किसी आ, आ, मतलब यह है कि अपनी वालदा के लिए पसंद करोगे कि कोई शख्स तुम्हारे वालदा के साथ ये अमल करे तो नौजवान ने कहा कि यारसूल मैं कभी ऐसा पसंद नहीं करूंगा आप वसलम ने कहा कि तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी आंटी के साथ इस तरह से कुछ रिश्तों का तस्करा किया और फिर कहा कि तुम यह पसंद करोगे नौजवान ने कहा कि नहीं तो बहरहाल वो मामला जो है वो ठीक हो गया तो आलिम साहब ने ये कहा कि जब वो शख्स जो है वो अगले दिन आया नौजवान तो मैंने जो है वो तमीद जो है वो बांधी थोड़ी सी और फिर उसके बाद मैं अपने मौजू की तरफ आया और मैंने जो है वो उससे बातों बातों में ये इजहार किया कि क्या तुम भाई ये अपनी बहन के लिए पसंद करोगे कि इस तरह से जो है वो कोई शख्स जो है वो तुम्हारी बहन के साथ ये करे तो नौजवान का जवाब जो है वो हमारे हालात जो है वो बिल्कुल उसको वाशगाफ करता है नौजवान ने कहा कि आई डोंट माइंड इफ शी इज ओके विद दैट तो हम जिन जिन हालात से गुजर रहे हैं हम अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं खुश फहमी का शिकार हो सकते हैं और ये कोई नई चीज नहीं है जो लोग भी दीन के पैरोकार हमसे पहले भी रहे हैं तो वो भी इस तरह के रास्तों पर चलते रहे हैं कि जिसमें जो है वो अपने आप को तसल्ली देना अपने मनपसंद की चीज़ें देख लेना पढ़ लेना और फिर ये समझना कि बस हम जो है वो बिल्कुल सारा मामला जो है वो ठीक चल रहा है जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला सुरह बकरा के अंदर तजकिया के लिहाज से सरह बकरा भी इंतहाई अहम सूरत है पहला जो हिस्सा है वो यहूदियों की जो कारस्तानियाँ हैं उनसे मुत्ल है उन और उन कारस्तानियों के अंदर अल्लाह तबारक वाले उनमें से कुछ ऐसे लोग थे अनपढ़ जो किताब से जो उनकी मनपसंदाशें और आर्जुओं की जो चीजें थी उनके बारे में जो है वो सिर्फ वो उनको फॉलो करते थे फिर चंद आयात के बाद तबारक वाल ने फरमाया बिबादी बिबाद क्या तुम कुछ हिस्सों को छोड़ देते हो और कुछ हिस्सों ईमान ले आते हो तो क्या ये तुम्हारी रविश है तो ये तो रविश तुम्हारी ठीक नहीं है तो एक, 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 एक जराइम की उसका तस्करा अल्लाह तबारक वाला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में किया और यहाँ यह भी तदरीज पहले जो तस्करा किया वो ये कि सिर्फ विशफुल थिंकिंग थी फिर दूसरे मरले में अल्लाह ने कहा ना आदल किताब के तुम पार्शली जो है वो दीन पर अमल करते हो फिर उसके बाद अल्लाह तबारक वाले ने चंद आयतों के बाद कहा चंद चंदों के बाद कहा कि किताब वरा अज़ूर उन्होंने जो है वो पूरी किताब को अपने पसे पुष्ट डाल दी पूरे दीन को ही जो है वो भुला बैठे तो इंसान बिल्कुल इसी तरह से जो है वह तदरीजन खुदा से दूर होता चला जाता है अपना मकसद जिंदगी का मकसद जो है वो उससे बेपरवाह होकर जिंदगी गुजारता है और जो है वो अपनी ज़िंदगी के निज़ाम में फिर वो इस तरह मगन होता है कि अल्लाह तबारक वाली ने फिर उस पूरी कौम से जो मजहबी लीडरशिप थी वो लेकर इस उम्मत मुस्लिम को दी और शुरह बकरा की आयत के अंदर ही अल्लाह तबारक वाली इब्राहीम सलाम के ज़रिए से जो है वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तालबन रसूल अमिनियत आयात ही हमारे परवरदिगार इन लोगों में एक ऐसा नबी भेज के जो इन जो तेरी आयात की तलावत करे और इनका तस्किया करे इनको किताब हमत की जो है वो तालीम दे और उनको वो बातें बताएं जो वो नहीं जानते तो अल्लाह तबारक व ताल हाल फिर मजीद इसके अलावा जो है वो चार आयात नाजिल फरमाई और एक और आयत जो ये कमार्मा फीकम रसूल ये भी सोह बकर की आयत है हज़रत यूँ समझ ली कि हज़रत इब्राहिम की जो है वो दुआ का जवाब है अल्लाह तबारक व ताल जो है वो दूसरे सिपारे के अंदर ही जहाँ तहवील कबला का हुक्म है तो वहाँ दरअसल सिर्फ़ तहवील कबला मकसूद नहीं है बल्कि मजहबी जो लीडरशिप है खुदा की जो नुमाइंदगी है वो एक कौम एक उम्मत से लेकर दूसरी उम्मत और दूसरी कौम को दी जा रही है और उनको ये बताया जा रहा है कि अब तुम खुदा के नुमाइंदा हो अब तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है तो तुम्हारे अंदर वो बातें नहीं होनी चाहिए कि जिनका तस्करा पहले सिपारे के अंदर गुजर चुका है जिन कामों के अंदर वो मुबतला थे और इसके अंदर जो बुनियादी अहम पहलू नबी के करने के थे उसका तस्करा किया गया कियातना वहीबल वहीम तक तो इससे हमें जो है वो अंदाज़ा होता है पता चलता है कि हम जो है वो ये हमारी जिम्मेदारी किया है बहसीत मुसलमान और जिन हालात के अंदर हम रह रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और हमारी उस एतबार से जिम्मेदारी क्या बनती है हम किस तरह से अपना तस्किया कर सकते हैं तस्किए का मतलब जो है वो सिर्फ़ दिल के सफाई नहीं है सिर्फ़ दिमाग की सफाई नहीं है अक़ल की सफाई नहीं है इबादत की सफाई नहीं है बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी की सफाई है कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी के निज़ाम को किस तरह पाक साफ करना है न सिर्फ़ अपने लिए बल्कि बाकी इंसानों के लिए भी और इसलिए कि कामयाबी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नजात और कामयाबी दुनिया के अंदर भी और आखरत के अंदर भी अल्लाह के दीन के अंदर है इन नादल कुरानदी अकवम यह कुरान जो रास्ता बताता है वो सबसे सीधी वो सबसे सीधा रास्ता है बाकी सारे रास्ते हलाकत की तरफ जाते हैं और जो ज़ाहरी चका चौंक के हवाले से ज़ाहरी अट्रैक्शन के हवाले से दिलकशी के अतबार से मादियत परस्ती के हवाले से जो है वो दुनिया बहुत अच्छी है बहुत पुरसकून है बहुत आसाइशें हैं हर किस्म की आसाइश, हर किस्म की सहूलत हमें मैसर है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन हकीकत यह है कि ये इसमें क्या वाक़ता जो है वो ये कामयाबी इसको हमें समझ लेना चाहिए या ये कि इसमें कोई हलाकत खेज पहलू जो है वो छुपा हुआ है कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ कोई ऐसा मामला खुदा की तरफ से खुदा की कुदरत की तरफ से हो हो रहा है या होने जा रहा है कि जिसमें एक बहुत बड़ी हलाकत जो है वो इंसानों का के, 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 के जो है वो उसके इंतजार में है और जो मौजूदा जो संगीनी है उसका असल मसला ये है कि कोई भी किसी भी दर्जे पर कोई मुनम कोशिश के जो बार आवर हो सकती हो वो नहीं हो पाई करीब करीब की तारीख के अंदर एक तवील अरसे से जो है वो मुसलमान जिल्लत और रसवाई के okay, जो है वो एक तवील सिलसिले में जो है वो उससे गुजरते चले आ रहे हैं और मामला अब यहाँ तक जो है वो पहुंच चुका है कि हमें हालात की संगीनी का हम इधराक करने के लिए भी जो है वो तैयार नहीं है अगर कोई इस तरह की बात होती भी है तो उस पर बेशुमार किस्म के फतवे और बेशुमार की बातें बातें जो है वो आ, करके जो है वो उसको खामोश करा दिया जाता है हमारा मामला किसी साहब नजर के अल्फाज में बिल्कुल ऐसा है कि जैसा जब कोई किसी को जिसम जो है वो मफलूज हो चुका हो उस पर अगर कोई चोट लगे कोई गहरा जख्म लगे तो उसको कोई एहसास नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे जिसम पर जो है वो कोई चोट लगी है और मुझे तकलीफ होनी चाहिए जख्म का लाजमी तकाजा ये है कि तकलीफ होती है लेकिन चूंकि जिसम मफलूज हो चुका है पहले ही तो लिहाजा उस जख्म का भी जो है वो अंदाज़ा नहीं है हकीकत यह है कि हमने अपने दीन को चंद इबारतों का मजमु समझ कर उसको ऐसा रट्टा लगा लिया है जो मुख्तलफ मौक़ों पर जिसका हम इजहार करके ये समझते हैं कि बस हम तो मुसलमान हैं हम तो अल्लाह के दीन के मानने वाले हैं और ये वो जो हमारा ताल्लुक है खुदा के साथ बे रूहा तल्लक यानी कोई ऐसी रूह ऐस, ऐसा उसके अंदर जान उसके अंदर ऐसी एनर्जी ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है कि जो ड्राइविंग फोर्स की हैसियत रखती हो हमारी जिंदगीों के अंदर मजमु तौर पर इंफरादी तौर पर मैं बात नहीं कर रहा कि कौन कौन कितना अच्छा और कितना बुरा है मैं मुसलमानों की और हम सब की अपनी जो है वो मजमु सूरत हाल पर जो है वो गुफ्तु कर रहा तो ये जो अल्लाह से जो ताल्लुक है हमारा बड़ा बेरू किस्म का जो ताल्लुक है और जिसको हम जरूरत पड़ने पर जो है वो कभी कभी निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं उसको जहाँ हमने महफूज कर रखा है वो भी ऐसी जगह है ख़ास जैसे कि कोई कारखाना हो उसके अंदर जो स्टोर की जगह होती है जिसमें कूड़ा किरकुट को डंप किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर वहां से कुछ चीज़ें जो है वो इस्तेमाल के लिए निकाल ली जाती हैं तो बस उस तरह से हमारा दीन का जो है वो ताल्लुक़ है अगर रबी अव्वल आ जाए मुहर्रम आ जाए रमज़ान आ जाए ईद आ जाए निका हो या कोई मर्ग हो जाए तो हम हमारा दीन हमारा इस्लाम हम मुसलमान होते हैं लेकिन बहसीत मजमू जो उम्मत मुसलम की कैफियत जिससे जो है वो गुजर रही है खुद हमारी नई नस्ल जिस जो है वो क्राइसिस का शिकार है हमें इस एतबार से तस्किया जो है वो हमें जो है वो करना है अपनी सोच का अपनी फिक्र का अपने अमल का और ये तस्किया इंतहाई अहम है बहुत ज़रूरी है और ये भी बहुत ज़रूरी कि हम तस्किया कैसे कर सकते हैं यानी तस्किए के बहुत सारे रास्ते हैं हर कोई जो है वो माशाल्लाह आजकल जो है वो साहब इलम भी है चूँकि इंटरनेट की जो है वो सहूलत मयसर है तो हर हर किसी के पास माशाल्लाह कोई ना कोई रेमेडी कोई ना कोई नुस्खा मौजूद है और आ, तो इस इससे वो नहीं है मफर नहीं है लेकिन देखने की बात यह है कि क्या ये वाक़ता वही नुस्खा है कि जो काबिल इस्तेमाल होना चाहिए जिसको मौसर होना चाहिए जिसका कोई जिसका कोई नतीजा निकलना चाहिए आ, मुला नसीरुद्दीन के बारे में आता है कि मुला नसीरुद्दीन एक दिन जो है वो उनके सिक्के कुछ जो है वो गुम हो गए और सिक्के जो है वो कमरे में थे अंधेरा था कमरे में वहां उनके कुछ सिक्के जो है वो गुम हो गए वो बाहर आकर जो है वो चूंकि कमरे में अंधेरा था उनको नजर ना आए तो बाहर आकर सहन में जो है वो सिक्के तलाश करने लगे तो उनकी बेवा ने पूछा उनसे कि आप का क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं सिक्के तलाश कर रहा हूँ तो उनकी बेगम जो है वो हैरान हुई कि अच्छा आपके सिक्के कहाँ गुम हुए थे उन्होंने कहा कि जी मेरे सिक्के तो अंदर कमरे में गुम हुए थे उन्होंने कहा तो फिर आप बाहर क्यों तलाश कर रहे हैं मूला नसीरुद्दीन ने कहा कि कमरे में तो चूंकि अंधेरा है तो वहां तो सिक्के मिल नहीं सकते तो लिहाजा यहाँ रोशनी है तो मैं यहाँ इसलिए सिक्के तलाश कर रहा हूँ तो क्या कहीं हमारा मामला भी ऐसा तो नहीं है कि हमने जो चीज़ जहाँ खोई है हम उसे वहां तलाश नहीं कर रहे हम कहीं और से आइडियाज और नज़रियात और तरीके और जो है वो अपनी चीजें ला करके उसको दिल को तसली देने के लिए कि हम बिल्कुल सारे मामला जो है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तो हमें देखने की ज़रूरत है ये भी एक तज्िया है हमारे अफकार का हमारी स्ट्रेटजी का और ये तज्िया इंतहाई अहम है अमरिया कराम की दावत का खुलासा है दुनिया वाकत में कामयाबी का ज़रिया है कदफ़ ला मन का वज़ा कर रसम रबी फसल इबादत का समर है इबादत का जो फल है हमें वो तस्किए के ज़रिए से मिलता है जन्नत में दाखिले का सबब है जब भी जो है वो कोई शख्स जन्नत में जाएगा तो वो पाक साफ होकर के जाएगा जो लोग जो है वो मुसलमान भी होंगे और जो है वो बाद में जो है वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे लेकिन पहले जो है वो अपने गुनाहों का जो खमियाजा उन्हें जहनुम के अंदर भुगतना पड़ेगा तो वो वहाँ उनकी जो है वो सफाई और धुलाई होगी उनका तस्किया होगा और उसके बाद फिर जो है वो पाक साफ होकर जो है वो वहाँ तक पहुँचेंगे दिल की सफाई का ज़रिया है आ, बहुत सारे जो है वो कुरानी आयात हैं हमारे पास मौका नहीं है कि हम उन सारी चीज़ों को जो है वो देख सकें और अमल में बेहतरी और यकसुई लाने का जरिया है अगर हम तस, जो है वो तस्किया करेंगे और फिर ये सिर्फ आ, सोच अमल नहीं बल्कि महसूसात के अंदर भी हमारी पसंद और नापसंद का जो सही मैार है वो तस्किया है कि हमें पता चले कि हमारी ज़िंदगी के अंदर पसंद और नापसंद क्या है यानी हमारे दिल की कैफियात का बदल जाना हमारा हमारे दिल के अंदर किसी की मोहब्बत और किसी की नफ़रत का का जो मैार है वो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की नापसंदगी का जो है वो बन जाना उसमें दिल में ठहर जाना यानी अल्लाह अगर कोई किसी काम से राजी है तो मैं वो काम करूँगा और जो है वो जो चीज़ मैंने छोड़ी है वो इसलिए छोड़ी है क्योंकि वो अल्लाह को पसंद नहीं है तो यानी दिल पर दिल इस पर राज़ी हो जाए और बाज़ात जो है वो दिल उस पर खुश नहीं होता तो यानी आपने अपने आप को अपने नफ़ को उस पर मजबूर करें कि नहीं ये काम मैंने लाजमन करना है क्योंकि मेरा खुदा की मेरे ख़ुदा की रजा इसके अंदर जो है वो शामिल है अगर नीयत ठीक है तो हम अपने आप ऊपर जो है वो जो जबर करके जो है वो नेकियां करते हैं नीयत की जो है वो दुरुस्तगी के साथ तो वो भी जो है वो अल्लाह के यहाँ अजर जो है वह पाती हैं अमन अब अलील्हही वज़ अली वमन अलील्ला यानी जो भी ज़िंदगी का निज़ाम है कुल क़ुलसौलाती सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती ममातीबिलमी तो अगर ये कैफियत बन जाती है यानी इंसान के का दिल जो है वो बदल जाता है और दिल ही दरअसल जो है वो ड्राइविंग सीट उस जो है वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर वो उसकी ड्राइविंग सीट सी, की जो है वो हैसियत है कि दिल ये सारे मामलात को जो है वो चला रहा होता है यकीनन जो है वो दिल की कैफियत एक नहीं रहती दिल का दिल कलब जो है वो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कल्ब को कल्ब इसलिए कहते हैं कि वो बदलता रहता है उसकी हालत बदलती रहती है लेकिन एक मोमिन जो है वो हमेशा उसकी जो परेशानी है वो यही होती है कि किस तरह से मैंने जो है वो अपने दिल को कंट्रोल में रखना है अपने नफ्स को जो है वो कंट्रोल में रखना है वो अपने नफ्स के साथ एक जंग किसी कैफ़ीत के अंदर रहता है कि उसका नफ़ जो है वो उसे किसी और तरफ लेके जाता है लेकिन इंसान जो, जो जिसके पास कल्ब सलीम है और जो ख़ुदा से ताल्लुक़ जोड़ना चाहता है वो उसकी नज़र में अहम ये है कि उसने अपने रब को राज़ी करना है चाहे नफ़्स राज़ी हो या ना हो इसलिए कहा जाता है कि अन्नासुराजुल्हन किसी ने क्या खूबसूरत बात कही कि नफ़्स को कंट्रोल करने के हवाले से इंसान दो तरह के होते हैं एक वो इंसान कि जो अपने नफ्स को कंट्रोल करके उसको अपना घोड़ा बना लेता है और जिस तरफ जो है वो चाहता है उस पर जो है वो सफ़र करता है और दूसरा इंसान वो है कि जो जिस जिसका जो अपने नफ़्स को कंट्रोल नहीं कर सकता कदफ़लह मनजक का हा मंदसा हा ये वो कद मंदसा नाम हुआ वो शख्स कि जो अपने नफ्स का तस्किया नहीं कर सकता और उसका नफ्स उस पर हावी हो जाता है उसका नफ़्स उसका जो है वो घोड़ा बन जाता है वो मतलब यह है कि वो ख़ुद जो है वो अपने नफ्स का गदा और घोड़ा जो है वो बन जाता है और उसका नफ़्स उसे जिस तरफ जो है वो चाहता है अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ वो उस तरफ जो है वह बड़ी आसानी के साथ जो है वो मायल हो जाता है और चला जाता है आइए तजकिए नफ्स के हवाले से शायद ये चंद बिखरी हुई बातें हों लेकिन इन उम्मीद है कि हमें हमारा तस्किए करने के हवाले से ये बहुत मुफीद होंगी चंद मुख्त मकाम जो है वो कुरान मजीद के हम स्टडी करते हैं तस्किए के हवाले से तो जो बिल्कुल पहली आयत कहले बरिम बाज़ लोग इसको कुरान की आयत जो है वो करार देते हैं और बाज लोग जो है वो सूरत फ़ाते है और बाज लोग ये समझते हैं कि जो सुर नमल के अंदर ये आयत है इन सलीमान अबा बसमिल्रिम सिर्फ़ वही क़ुरान का हिस्सा है और ये बिस्मिल्लाह जो है वो बरकत के लिए है या वैसे सूरतों को एक, एक सूरत को दूसरी सूरत के साथ मिलाने के लिए है तो इसके अंदर जो सिर्फ़ बा है बसमिल्रिम का जो बाः है उसके मुफ़ाहिम के हवाले से उसके मानी के अतबार से बहुत सारी चीज़ें बयान की जाती हैं मसलन बा का एक मतलब यह है कि या मैं तेरी माइत के अंदर ये काम कर रहा हूँ एक मतलब यह है कि या मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ मुझे मदद की ज़रूरत है मैं तेरी मदद के साथ जो है वो यह काम कर रहा हूँ एक इसका मतलब बिस्मिल्लाह के अंदर बा जो है वो ये इंडिकेट करता है कि ये सारी कायनात है वो अल्लाह की वजह से है पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया है और वो अल्लाह के नाम अल्लाह की रहमानियत अल्लाह की रहमत और अल्लाह ही की वजह से क्योंकि अल्लाह ने उसको जो है वो वजूद बख्शा है तो इस एतबार से जो हमारी डिपेंडेंस है वो टोटली अल्लाह पर जो है वो डिपेंड करती है कि वो हर एतबार से हम अल्लाह के मोहताज हैं उसके फ़क़ीर हैं रहनुमाई के हवाले से भी अपनी ख़ुक के हवाले से भी अपनी सेहत के हवाले से भी रहनमाई केवा हर एतबार से अपनी ज़िंदगी का निज़ाम चलाने के हवाले से भी तो ये जो इसी लिए जो है वो जो अब्द है उसके दो इस्तेमाल हैं एक तो अंतोलॉजिकल जो डिपेंडेंस है यानी पूरी कायन ही चूँकि अल्लाह की मखलूक है अल्लाह ने बनाई है तो लिहाजा इस जो है वो अब उसकी फर्मबरदारी के अंदर लगी हुई है वो चल रही है लेकिन एक और इसका मतलब ये है कि जो लोग इस डिपेंडेंस को कबूल कर लेते हैं कि या अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा खुदा है तू मेरा खालिक है तू मेरा मालिक है मेरी मर्जी कोई मर्जी नहीं है मेरी पसंद कोई पसंद नहीं है मेरी मर्जी कभी तू मालिक है मेरी पसंद और नापसंद का भी तो ही मालिक है और मैं तेरी मखलूक हूँ तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा तू मेरा खुदा है तू मुझे जो रहनुमाई देगा मैं उसको कबूल कर लूंगा और अपने आप को इंतहाई दर्जे के अंदर कम तर समझना अपने अपने आप को इंतहाई दर्जे के अंदर बेबस समझना खुदा के सामने यानी खुदा के मुकाबले में अपने आप को ये समझना कि मैं कुछ नहीं हूँ और हकीकता हम कुछ नहीं है यानी इंसान मौजूदा दुनिया के अंदर अपने आप को बहुत कुछ समझता है जो है वो जो है वो कोई दौलत की वजह से कोई ख़ूबसूरती की वजह से कोई सेहत की वजह से कोई जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से बेशुमार बेशुमारबाब हो सकते हैं लेकिन हकीकत यह है कि मौजूदा हालात ने इंसान को उसकी हकीकत याद दिला दी है कि दरअसल इंसान जो है वो इंतहाई बेबस मखलूक है अल्लाह की नज़र के अंदर तो ये जो फीलिंग है बेबसी की अपने खुदा के सामने ये तस्कीय के अंदर बहुत अहम है एक और अहम बात तस्किए के हवाले से ये समझने की ज़रूरत है हम सबको कि हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसने आज दो बजकर चवालीस मिनट से पहले पहले कभी कोई गुनाह ना किया हो कोई शख्स हमें से यह दावा नहीं कर सकता हम सब गुनाहगार हैं हम सब ने गुनाह किए हैं बेशुमार गुनाह किए हैं और जिसका हमें अंदाजा ही नहीं है कि हमने कितने गुनाह किए हैं अच्छा आइंदा भी कोई गारंटी नहीं दे सकता और कोई नहीं कह सकता कि आइंदा मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा या करूँगी हमने गुनाह करने हैं इसलिए कि ये हमारे खुद हमारी तरकीब जो हमें तश्किल जो है हमारी इंसानियत की उसमें अल्लाह तबारक वाल फजू व तकवा ये उसके अंदर शामिल है जो, जो फजूर है वो हमें बार बार मजबूर करेगा कि हमें बुराई के रास्ते की तरफ लेके जाए हमारे अंदर का तकवा भी जो है वो हमें अच्छाई की तरफ जो है वो लेके जाएगा ऐसा भी कभी मुमकिन नहीं है कि इंसान के अंदर से तकवा बिल्कुल जो है वो कभी ऐसा वक्त नहीं आता कि बिल्कुल उसके अंदर से अच्छाई ख़त्म हो जाए तो लेकिन यह है कि इस एहसास के साथ कि या अल्लाह हम खताकार हैं अल्लाह ने बताया कि खैरखा अबून बेहतरीन खताकार जो है वो तौबा करने वाले हैं आदम आदमाम से हमें यह सबक मिलता है उन्होंने रबा ना मनफसना वम तख्फन अल्लाह से जो है वो सीखे थे कले और इसका इकरार किया था और हम भी आज ये इकरार करते हैं कि या इलाही हम जो कुछ हैं तेरी नमत से हैं तूने हमें जो कुछ दिया है तेरी वजह से है हमारा अपना इसमें कोई कमाल नहीं है जब हम कहते हैं रब्बिल आलमीन तो इसमें जो अलिफ और लाम है अल्हम्द वो हमें ये कहती है और इसी तरह से जो लिल्लाही में जो ऑनरशिप है कि सब कमालात जो है वो अल्लाह के हैं हमारा कोई कमाल नहीं है यानी दुनिया के अंदर दो चीज़ें हैं एक शक्ली एतबार से सूरती एतबार से और एक हकीकत के एतबार से यानी मैं बातचीत कर रहा हूँ अपने आप को आलिम समझता हूँ मुकर समझता हूँ कोई कि अपने आप को दौलतमंद समझता है कोई अपने आप को बहुत अच्छा प्लेयर समझता है कोई अपने आप जो भी कमालत हमारे अंदर हैं जो कुछ भी हमारे अंदर है उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है ज़ाहरी शक्लें हैं ये सब कुछ ज़ाहिर के अंदर है हकीकत क्या है हकीकत यह है कि यह अल्लाह की फेवर है ये अल्लाह का इनाम है हमारा तो अपना वजूद हमारी वजह से नहीं है हमने कभी सोचा नहीं था अपने वजूद से पहले कि हम दुनिया के अंदर आएंगे हमें तो उसकी ये मेहरबानी है कि उसने हमें वजूद बख्शा है और फिर उसकी ये मेहरबानी है कि उसने हमें दीन की दौलत से माला माल की है फिर उसकी ये एक और मेहरबानी है कि उसने हमें ऐसी मजलिसों में बैठने का मौका फ्राहम किया है कि जो ईमान को ताज़ा करने वाली हैं जो अपने मकसद को याद करने वाली हैं और जो अपनी सरगर्मियों का जायज़ा लेने वाली हैं जो मजलिसों के अंदर बातों का तस्करा होता है और मजलिसें जो खुदा के साथ हमें जोड़ती हैं जो हमें अपने मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करने के बारे में याद दहानी करवाती हैं वाह तो अल्ला जो कुछ भी है वो महज और महज अल्लाह की तोफ़ी से है ये तस्वुर जितना ज्यादा हमारे अंदर पैदा होगा उतना ज्यादा हम खुदा के करीब महसूस करेंगे और उतना ज्यादा जल्दी जो है वो हम हमारी दुआएं जो है वो कबूल होंगीद शिक्र नहीं तस्किए के अंदर शुक्र भी एक इंतहाई अहम पहलू है और एक शुक्र का पहलू यह है कि हम अपने आप को ये समझें कि हम तो दरअसल इस अल्लाह की नेमत के अहल है ही नहीं अल्लाह ने महज अपने फजलो करम से जो है वो हमें ये सब कुछ दिया है हमें तो हमद भी हमें तो हमद करना भी अल्लाह ही ने सिखाया है ये जो अलहमद है हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं हम ये हमने अपने अपने बलबोते पर तो हम अल्लाह की हमद नहीं कर सकते अलहमद का एक मतलब ये भी है कि अलिफ लाम इसके अंदर अहद के लिए यानी एक ख़ास हमद है यानी जब अल्लाह तबारक व ने इस कायनात की तख्लीक की अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया इंसानों को बनाया और इंसानों को कहा कि मेरा शुक्र अदा करो तो इंसान जब अल्लाह का शुक्र अदा ना कर सके तो अल्लाह ने फिर इंसानों को सिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं तो हम तो ऐसे हैं कि हमें तो कुछ मालूम नहीं है किसी ने क्या खूबसूरत कहा कि हमारी हम तो ऐसी है कि मजीद हमद का तकाजा करती यानी हम जितनी अल्लाह की हमद करते हैं उतनी ज़्यादा हम मज़ीद तकाजा करते हैं अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हम अपनी सना और अपना शुक्र अदा करने की मज़ीद तोफी का फरमा हम जितना अल्लाह का से इस्तफार करते हैं हमारा इस मजीद त... इस्तफार का तकाजा करता है यानी आ, इ, 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 इसकी कोई हद नहीं है और एक और पहलू मैं गुफ्तु मुख्तर करते हुए जो है वो मुख्तु जो पहलू हैं आज की गुफ्तु के उनकी तरफ आता हूँ कि एक और पहलू यानी फ़ालम फजूर हा बतवा हा अल्ला तबारक वाली फरमाते हैं कि इंसान को जो है वो उसके अंदर शर भी है उसके अंदर खैर भी है लेकिन ये जो तगयानी है तगयानी जो है वो इंसान को इस तरफ आमादा करती है मायल करती है कि वो बाउंड्रीज को क्रॉस करने लग जाता है वो लिमिट्स को क्रॉस करने लग जाता है और उसकी वजह अल्लाह तबारा को तौ ने फरमाया अपने आप को मुस्तगनी समझने लग जाता है यानी ये वो वही बात जो हम अपने आप को महताजी वाली बात करते हैं ना कि हम तो अल्लाह के मोहताज हैं हम कभी बेपरवाह हो ही नहीं सकते ये गनी होना तो खुदा की सिफत है हम कैसे गनी हो सकते हैं अपनी माल के अतबार सेहत के अतबार से हिदायत के अतबार से यानी जिंदगी के हर पहलू में हम कैसे खुदा से बेपरवाह हो सकते हैं और अगर कोई शख्स अपने आप को बेपरवाह समझता है तो इसका मतलब यह है कि वो तगानी का रास्ता इख्तियार कर रहा है और तगयानी इंसान को बहुत बड़े गुनाह की तरफ ले जाती है अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा को भेजा इधला इला इन न तगा ऐ मूसा तुम जाओ फिर की तरफ कि उसने तगयानी और सरकशी इख्तियार की है और कहा कि उसको बताओ कि क्या तुम्हारे लिए मुमकिन है कि मैं तुम्हारा तस्किया कहूँ तस्किया करूँ तो हजरत मूसा को भी अल्लाह तबारक वाला ने देखिए तस्किए का हुक्म देकर फिर की तरफ जो है फिरा तो अपने आप को खुदा समझता था अल्लाह तबारक वाला ने कहा कि नहीं इसका तस्किया होना चाहिए और मूसा की पूरी दावत जब हम सामने रखते है तो हमें तस्किया का मफहम समझ में आता है कि तस्किया क्या है फिरा ने अपनी कौम पर जो है वो जबर और तसल्लुत के जरिए से ऐसा गुलाम बनाया हुआ था और उनसे जो है वो इतना जो है वो उनके ऊपर अप, अप, अपना तसलुत उसने जो है अपना कायम रखा हुआ था उसकी मर्जी चलती थी और जो है वो बनी इसराइल को बिलखसूस जो है वो गुलाम बनाया हुआ था तो अल्लाह तबारक व ताल को भेजा कि बनी इसराइल को इस गुलामी से नजात दिलाओ जाओ तुम फिर के पास जाओ तो ये जो तजकिया है ये लोगों को गुलामी से निकालने का एक प्रोसेस है लोगों को गुला अल्लाह की बंदगी के अंदर लाने का एक प्रोसेस है तो ये गुलामी की बेशुमार शक्लें हैं फिरौन ने उस वक्त में बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाया था आज क्या हम किसी और शक्ल के अंदर तो किसी के गुलाम नहीं बने हुए किसी तहजीब के किसी कल्चर के किसी निज़ाम के ग़ुलाम तो नहीं है क्या हम किसी और की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी तो नहीं गुजारते क्या हम खुदा की हिदायत से बेपरवाह होकर ज़िंदगी गुजारते हैं पूरी मौजूदा ज़िंदगी जो अगर हम देखें अपनी पूरी निज़ाम ज़िंदगी जो हालात है उनको अगर हम देखें और खुदा परस्त लोगों की जो हालात हैं उनको हम देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो लोग खुदा परस्त हैं जिनके जहनों के अंदर खुदा का तस्वुर है उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये आशार कदीमा के दिमाग हैं इनका मौजूदा दुनिया के अंदर कोई मकाम नहीं है कोई मरतबा नहीं है जो भी दिमाग जिसके अंदर खुदा के वात यानी पूरा जो गॉडलेस सोसाइटीज़ हैं यानी बेपरवाह हो जाना हमें खुदा की जरूरत नहीं है हमें अखलाक की जरूरत नहीं है हम अपनी मर्जी करेंगे और हम अपनी मर्जी का निज़ाम ज़िंदगी तरतीब देंगे हमारा कल्चर हमारी तहजीब हमारी इंटरटेनमेंट हमारी जो है स्पोर्ट्स हमारी मर्जी के मुताबिक होगी हमारी शादियाँ हमारी मर्जी के मुताबिक होंगी हमारा निज़ाम तालीम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगा हमारा निज़ाम मीशत हमारी मर्जी के मुताबिक होगा हमारा निज़ाम सियासत हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगा हम खुदा की मर्ज़ी का इसमें कोई अमल दखल जो है वो होने नहीं देंगे अर आस्तगना इन ये तो बड़े मोटे मोटे से पहलू हैं अगर इसी अर्र आतरना को अगर हम अमली छोटी छोटी सतह पर अपनी इनफरादी जिंदगी के अंदर देखें तो अब इसके असरा जो है हम अपनी अपनी जिंदगी के अंदर भी देखते हैं जब मियाँ बीवी के अंदर मिसाल के तौर पर कुछ झगड़ा होता है तो एक दूसरे से बेपरवाह समझते हैं कि ठीक है ठीक तुम्हारा रास्ता दूसरा है मेरा रास्ता दूसरा है सेपरेशन का रास्ता मौजूद है तलाक का रास्ता मौजूद है मैं अपनी जिंदगी का निज़ाम खुद संभाल लूंगी मैं बच्चों को खुद पाल लूंगी मर्द के लिए भी मैं खुद अपना निज़ाम बच्चा बड़ा होता है तो मैं आई कैन मैनेज इट आई विल अर्न माई ओन आई लिव ऑन माई ओन सो ये अर्राहगना मैं सब कुछ कर लूंगा मैं सब कुछ हूँ और मेरे पास सब कुछ है मैं हर चीज़ जो है वो कर सकता हूँ तो एवरी थिंग अवेलेबल आई डोंट नीड पीपल ये जो मकानिकी तल्लु और मकान की रिश्ते और मकान की जो जो, जो माशरती निज़ाम बड़ी तेज़ी के साथ हमारे अंदर जड़ों के अंदर सराहियत करता जा रहा है अर्र आस्तगना की रोशनी के अंदर हमें इसे देखने की ज़रूरत है और फिर तस्किया करने की ज़रूरत है अपने मुआरों का अपनी जिंदगीों का अपने फैमिली सिस्टम का अपने बच्चों की तरबियत का और उसका इलाज अल्लाह तबारक वाली ने ख़ुद बताया इन नब्बिक रु जहाँ जो वापसी है वो तुम्हारे रब की तरफ है तो ये एक और पहलू है फिर इसी तरह से तस्किए का एक पहलू और है कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि अल्लाह तबारक वाली ने यह तस्किया अम्बिया कर राम के वाक़ात के अंदर भी हमें हमारा तस्किया किया है यानी सर हजरत यूसुफ़ल का वाक़ अगर हम लें उसको पढ़ें उसको स्टडी करें तो उसमें भी हमें तस्किया अपना हम कर सकते हैं तस्किए की एक चीज़ एक एक पहलू जिसको ख़ास तौर पर सूफिया के यहाँ जो है वो कहा जाता है कि एहसान का दर्जा है यानी अ यानी रज़ाइल व तहली बिलफ़ाइल यानी बुराइयों से अपने आप को पाक करना और अच्छाइयों को अपने अंदर जो है वो उसको प्रमोट करना अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना ये दरअसल तजकिया है और ये एहसान का एहसान के मकाम तक इंसान को जो है वो ले जाता है एहसान अनता का करतरा फैलन तक तराहु फैलन यानी ज़िंदगी इंसान ऐसे गुजारे गोया कि हर वक्त वो खुदा के के इलम के अंदर है या तो ये कि वो खुदा को देख रहा है या ये कि खुदा उसे देख रहा है यानी वो मकाम के हर वक्त इंसान की कैफियत ये रहे कि मैं जो है वो हर वक्त खुदा के सामने हूँ मुराकबा भी इसको आप कह लें उसको एहसान भी कह लें वह हुआ मकुम अना मायल्फिजुन कलिनबुलहतीद अल्ला की बेशुम सिफ़ात अल्ला हफीज़ है अल्लाह जो है वो रकीब है अब हम यहाँ हमारी पार्टिसिपेंट्स की कितनी तादाद है अगर अस्सी है तो याद रखें कि इक्यासी वहां जो है वो अल्लाह तबारक वाली अगर हम सौ की तादाद के अंदर हैं तो जो एक सौ एक नंबर है वो अल्लाह तबारक वाली है यही अल्लाह ने हमें बताया है माँकून में नजवा जब भी कोई सरगोशी कोई करता है अगर वो दो है तो तीसरा खुदा है तीन है तो चौथा खुदा है अगर कमरे में मैं अकेला हूँ तो दूसरा खुदा है तो यानी खुदा की मौजूदगी का ये जो एहसास है ये तस्किया है और ये चीज़ बतरजह अतम अम्बिया कराम के अंदर मौजूद थी ये देखिए हजरत हज़त यूसफ़्लाम की मिसाल हजरत हज़रतूसफ्लम के बारे में हम जानते हैं कि उनका उनकी उनका वाक़ जो है वो बड़ा ही दिलचस्प बड़ा ही सबक आमोज है कि किस तरह से वाक़े का आगाज़ होता है बड़े अच्छे अंदाज़ में अपने वालिद से अपनी चीज़ें शेयर करते हैं फिर जो है वो चैलेंजेस का शिकार होते हैं अपने भाइयों से हसद का और जो है वो जो घर इंटरनल अन, अन, जो चैलेंज है उसको फेस करते हैं घरों घर घरेलू जो चैलेंज है के भाई जो है वो दुश्मन हो गए हैं कुएं में फेंक दिया जाता है दियार गैर के अंदर जाना पड़ता है किसी और मुल्क के अंदर जो है वो रहना पड़ता है और वहाँ पर भी जो है वो आजमाइशें ही आजमायशें हैं जो है इब्तलाएँ ही इब्तलाएँ हैं अखलाकी एतबार से जो है वो बहुत बड़ी आज़माश का जो है वो सामना करना पड़ता है ख़ोतन जो है वो दावत गुना देती हैं लेकिन तकवा और तजिकिए की बुनियाद पर अपना जो है वो इन्नी अखाफ मैं डरता हूँ अल्लाह से ये अल्लाह की मौजूदगी के उनको जो है वो इस पर कायम रखता है कि नहीं मैंने गुनाह नहीं करना गुनाहों से अपने आप को बचाने का जो जो मामला है ये तस्किया है और फिर यानी जेल में जाना यानी लोएस्ट पॉइंट था उनकी जिंदगी का कि जब घर वाला भी कोई साथ नहीं है जानने वाला भी कोई नहीं है हर कोई दुश्मन बना हुआ है उस वक्त अल्लाह को कहते हैं रबी सजन अब एल्ला मुझे तो जो है वो जेल पसंद है उससे जो जो है वो इस लोएस्ट लेवल पर भी जो है वो अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक और फिर जब वो जेल जाते हैं तो यानी उनका किरदार ऐसा किरदार है कि हालांकि जो जेलर उनके साथ कैदी थे वो बहुत ज़्यादा उनको नहीं जानते होंगे चंद दिनों की शायद मुलाकात होगी कुछ अरसे की मुलाकात होगी लेकिन आपके करेक्टर से इतने मुतासर हुए तो उनको कहा कि इन्ना नाकमुसिन हम तो आपको बहुत ही महसिन समझते हैं बहुत एहसान बहुत अच्छा शख्स आपको पाते हैं अच्छा ये तो लोएस्ट पॉइंट है ना उनकी ज़िंदगी का लेकिन याद रखें कि जब उनको बादशाही मिलती है जब वो अजीज़ मिस्र मतलब जब वो उनको गवर्नमेंट के अंदर एक हाई पोस्ट मिल जाती है जब उनके जो है वो पूरी फैमिली आ जाती है उससे पहले जब उनके भाई जो है वो गल्ला लेने के लिए आते हैं तो उस मौके पर उनके भाई ख़ुद हालांकि उनके भाइयों ने अभी उनको पहचाना नहीं है कि ये यूसफ़्लाम है तो उस मौके पर भी उन्होंने कहा उनके भाइयों ने कि इ नारा का मेरा महसिन आप हमें गल्ला जो है वो दे दें हम तो आपको महसिन में से जो है वो पाते हैं तो ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हुए हैं मुशक बहुत मुश्किल वक्त है उसमें भी खुदा से जुड़े हुए हैं एक बहुत ऐसा आसाइशी लगजोरियस लाइफ है उसके अंदर भी अपना ताल्लुक जो है वो खुदा से कटा हुआ नहीं है ख़ुदा से जुड़ा हुआ है और किरदार के अंदर कोई तब्दीली नहीं है यानी कोई गुरू नहीं है कोई तकबर नहीं है इंतहाई आजजी है कि देखने वाला शख्स जो है वो फ़ौर देख कर जो है वो उसको पहचान लेता है और कहता है कि इन्ना न रहा का मिनल महसिन कि हम तो समझते हैं कि आप जो है वो महसिन में से हैं तो ये ये तस्किया है ये कि इस्तकामत के साथ जो जिसको सच समझा है उस पर इस्तकाम के साथ कायम रहना और यहाँ तक कायम रहना कि पूरी ज़िंदगी उस पर जो है वो गुजार देना एक दो वाक़ा जिक्र करके मैं गुफ्तु जो है वो ख़त्म करता हूँ ये तस्किया एक ऐसा खूबसूरत मौजू है कि इस पर बेशुमार जो है वो वाकियात बेशुमार ऐसे पहलू के तस्किया कैसे हासिल किया जाए ज़िक्र नमाज रोज़ा ज़क़ात ये सारी चीज़ें ऐसी हैं तो इन पर बात करने को दिल करता है लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका तस्करा हम तौर पर जो है वो करते रहते हैं आइए देखते हैं कि जो लोग नेक मजलिसों के अंदर नेक महफिलों के अंदर रहते रहे हैं जिनका तल्लु खुदा के साथ था उनकी जिंदगी कैसी थी तस्किए की रोशनी के अंदर सईद अबनसैम यानी ये तजकिया के लोग हैं यानी जिनका कोई मुजक्की था जिनका कोई मुरबी था जिन्होंने अपनी किसी के साथ बैठ कर तरबियत करवाई थी किसी से इल्म सीखा था और फिर अपने नफ्स का कंट्रोल जो है वो उसको करने में कामयाब हो गए थे उनके बारे में आता है कि चालीस साल तक वो मस्जिद से बाहर उन्होंने अजान नहीं सुनी यानी आप अंदाजा लगाए कि चालीस साल तक मस्जिद के अंदर उन्होंने जो है वो अजान सुनी जब अजान हुई तो वो मस्जिद के अंदर थे और जो है वो कि तकबीर उला के साथ जो है उन्होंने नमाज पढ़ी सिवाय एक दिन के मालूम है कि वो दिन कौन सा था जब उनकी बेटी की शादी थी उनका एक शागिरद जो है वो कुछ दिन आया नहीं उनके दर्ज के अंदर तो वो उनका हाल मालूम करने के लिए गए और उनसे पूछा कि भई खैरियत है तुम तो क्यों नहीं आए तो उनको पता चला कि जो है अबू अलुदा उनका नाम था उनको बताया गया कि उनकी बीवी का इंतकाल हो गया तो तो, तो लिहाजा वो उनकी तजीज़ वकफी के अंदर मसरूफ़ थे तो दो तीन दिन इसलिए जो है वो गैर हाजिर रहे तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा खुशबक कौन होगा कि अगर आप का रिश्ता जो है मैं आप मेरे उस्ताद हैं मुझे कबूल है और सैद अबैब वो ताबीत है कि उनकी बेटी के लिए उनकी बेटी के रिश्ते के लिए जो उमवी खलीफा है उसने जो है वो रिश्ता भेजा और बड़े तहफ और बड़ी मालुक दौलत भेजी तो लेकिन माल दौलत तजकि के रास्ते के अंदर कोई उसका असर नहीं होता उसका कोई जो है वो इंसान उससे अट्रैक्ट नहीं होता उसकी ज़िंदगी नहीं बदलती आज सैब ने सैदैब ने कहा कि नहीं उन्होंने जो है वो कहा कि नहीं मैं मैं ये शादी मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है अपने शागिर्द के साथ जो है वो रिश्ता करने के लिए उन्होंने सोचा भी नहीं तो ये जो मैारात हैं ज़िंदगी के, के यानी खुदा की मर्ज़ी खुदा के साथ ताल्लुक़ ये सबसे अहम तरीन जो है वो मैार ज़िंदगी के अंदर असर के बाद उन्होंने शादी की आपने जो है वो निकाह वगैरह पढ़ा और फिर जब कहते हैं कि जब मगरब का वक्त मगरब के बाद का टाइम आया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि वो वदा तो जब उनकी शादी हो गई है तो ये मुनासिब नहीं लगता कि मेरी बेटी मेरे घर रहे तो अपनी नमाज पढ़ के घर आए बेटी को कहा कि आओ चलें तो बेटी ने पूछा कि कहाँ जाना है तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी शादी कर दी है और वदा की तरफ जो है वो जाना है तो अब विदा की तरफ जो है वो उनको लेकर हाथ पकड़ के नहीं आज हमारी भी शादियां होती हैं हम ये नहीं कहते कि जो है वो मतलब जस्टिफिकेशन फिर बहुत सारी जी क्या करें माहौल को भी देखना है और रिश्ते नाते ऐसे ही हाथ पकड़ के बेटी का जो है वो निकाह के लिए जो है वो शादी हुई और अब विदा रुखती भी जो है वो बिल्कुल ना ढोल ना बारात ना कुछ और जो है वो सारा मामला हो गया अब जो है वो बढ़ती उम्र हम देखते हैं क्या क्या मामला हमारे समाजी मसाइल की तरफ जो है जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो कितनी तादाद बढ़ती जा रही है जहां हम शादियों के अंदर बहुत सारी रुकावटें हैं और एक रुकावट ये है जो हम हमारी ख़ुद अपनी जो है वो पैदा करता है या बनाई हुई है एक सोशल प्रेशर है कि जिसका हम ख़ुद जो है वो शिकार हैं तो बहरहाल बात को किसी और तरफ नहीं ले जाते तो एक पहलू और कि जिंदगी और मरते दम तक याईनाक का महतमरते वक्त तक उस हक और सच पर कायम रहना और हालात का हालात के जबर का मुकाबला करना हजूर बिक्रीम सलील वसलम ने रबी के बारे में जो है वो कहते हैं के बाद जो है वो आ, उनकी तलाश जारी थी उनकी को, जो है वो जसी न मिला तो एक सहबी को पैगाम दे के भेजा कि जाओ तुम उनको तलाश करो और अगर तुम उनको पा जिंदा तो उनको पूछना मेरा सलाम कहना और उनसे उनको ये पैगाम देना कि तुम अपने आप को कैसा फ़ील करते हो अपने आप को कैसा पाते हो तो वह साहबी गए और वो तलाश करते 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 आखिरकार उनको वो हज़रत साफ जो है वो मिल गए और वो इस हाल में थे कि उनके जिसम जो है वो जख्मों से चूर था और ज़िंदगी के जो आखिरी उनकी सांसें थी वो चल रही थी कहा कि अल्लाह के रसूल का सलाम कबूल कीजिए कहा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम अपने आप को कैसा पाते हो तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा जवाब दीजिएगा वाले वालम और मैं तो जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूँ और फिर साथ ये पैगाम दिया कि अनसार को पैगाम देना कि याद रखो अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हो गया तो तुम खुदा के सामने जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तो याद रखना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आंच ना आने देना यानी मरते दम तक यानी जिसको हक और सब सच समझा वहां तक जो है वो अपना मामला निभाया और फिर ये तस्किया है ये मिसालें हैं ये 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 हमें जोड़ता है हमारा अपने माजी के साथ अपने दीन के साथ और हमें बताता है कि असल हमने कहाँ से लेना है वो मुला नसरुद्दीन का वाक़ अगर ताज़ा करें तो हम अपनी असलाह कर सकते हैं कुरान और सुन्नत से इसके अलावा और कोई बड़ बड़ा बड़ा फलसफी आ जाए नज़रिया आ जाए जितना मर्जी पुरकशिश हो जितना मर्जी जो है वो बहुत बड़ा स्कॉलर हो लेकिन जो हक और सच है वो हमें कुरान और सुन्नत से मिलेगा और तस्किए के अंदर आख़रत की याद मौत की याद

इंसानों की इस कमजोरी का तस्करा किया है कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो बल तोला एक जगह कहा कि वह तोलाब्बन जमा वनहब्बल खैर लशदीद व नशहीद यानी बार बार कुरान ये तस्किए के अंदर रुकावट क्या है तस्किए का तरीक़ा क्या है तस्किए का तरीक़ा भी आ गया और उसके अंदर रुकावट भी आ गई कदफ़ ला तजक़ा वज़ा का रस्म रबी फसल अपने रब के नाम को याद रखना उसके साथ जुड़े रहना नमाज के जरिए से तस्किया करना और फिर बलतूस यून अत दुनिया मसला ये है कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे जाते हो मौत को भूल जाते हो तो मौत को याद रखना और मौत की सख्तियों को याद रखना सिर्फ एक बात जो है वो करके मैं गुफ्तु खत्म करता हूँ हज़रत साद इबन मज़ रज़ी अल्लाह तु के बारे में आता है कि ये वो सहाबी हैं अज़ीम सहबी हैं कि जिनकी दुनिया से चले जाने पर जो है वो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का अर्श हिला और सत्तर हज़ार फरिश्ते जो है वह आपके जनाजे के अंदर जो है वो तशरीफ लाए लेकिन जब आप अलैहि वसल्लम ने उनको दफनाया और जो है जब खबर बराबर कर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी देर तक तस्वीर की अल्लाह के हमदो सना बयान की और तकबीर की साहबा ने भी इसी तरह से बयान की फिर साहबा ने पूछा कि यार रसूल अल्लाह आपने ये सब कुछ क्यों किया इतने तवील अरसे इतना तबील मदद के लिए अल्लाह के हमदोसना बयान की तो आप सल असलम ने फरमाया कि हज़रत सात पर उनकी कबर तंग कर दी गई थी थोड़ी देर के लिए और अब जो है वो हमारी इस तस्वीर के नतीजे के अंदर कुशादा कर दी गई है तो अपनी इस आकबत को याद रखना उस अंजाम को याद रखना कि हमारा घर तो तन्हाई का घर है और जुलमत और अंधेरे का घर है कब्र जो हमारा घर है उसमें हमने जाना है और ये सब कुछ हमारी पहचान हमारा नाम हमारे बच्चे हमारी दौलत सब कुछ इधर ही रह जाएगा और कुछ अरसे तक हमारे बच्चे याद रखेंगे कब्रों के निशान भी मिट जाएंगे हमारी चीजें कोई और इस्तेमाल करेगा वो तकसीम कर दी जाएंगी और फिर जो है वो वो भी ख़त्म हो जाएगी माइंदुमंद हर चीज़ फना हो जाने वाली है बाकी रहने वाली सिर्फ एक झात हैत सालिहात माल और दौलत और बच्चे ये सब दुनिया की आजमायश के लिए अल्लाह ने हमें दिए हैं असल चीज़ बाकी रहने वाली किया हैलिहात है। नेकम तजिया खुदा के साथ हमारा वो बामानी ताल्लुक ऐसा बामानी ताल्लुक़ कि जो हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद याद कराता रहे और ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये है मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी मैं इसीलिए मुसलमान मैं इसीलिए नमाजी और किसी शार ने कहा कि ज़ाय होने से बचा ले मेरे महबूद मुझे ये ना हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे

बहुत अच्छे से प्रोग्राम को जो है अलहमदल् पेश किया बहुत सी बातें सीखने को मिली अलहमद्ला और मैंने बहुत से पॉइंट भी बनाए और उम्मीद करती हूँ आप सब सिस्टर्स ने भी अपनी जो है वो पॉइंट्स अपने लिए नोट किए होंगे उनमें से एक पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह ताला की मार्फत को पा लेना ही सबसे बड़ी कामयाबी है और ये मार्फत ऐसे ही नहीं मिल जाएगी जब तक कि हम इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे अपने दिल को अपने नफ्स को अपनी सोच को अपने ख्याल को पाक करना होगा और साथ ही साथ जो कि अपनी पूरी जिंदगी के अमूर हैं उनको मैंने पाक करने की उनको ज़रूरत है और अल्लाह के साथ जो बेरूह ताल्लुक है हमारा उसको उभारने की जरूरत है उसको उसमें जान डालने की ज़रूरत है और इस रूह को अल्लाह की बंदगी में देने की ज़रूरत है जिसके लिए आपने बताया कि एहसान का रवैया इख्तियार किया जाए तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुबैन की जात जो है हमें अमल करने की तौफीक दे